इंडिया ने याद कर दिया जी अपना तीसरा मेजाइल जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे, आपने क्या किया उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया जिसके ऊपर मेम बन रहे हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, देखें आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आजादी है, कंपेयर नहीं एग्जांपल दी मैं कंप्लीट कर लूँ, अगर इस तरह की आजादी है तो फिर इस तरह की आजादी हमें नहीं चाहिए, फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार। इंडिया में जो है वो जमहूरियत अच्छी तरह से डेमोक्रेसी आई और इवन एक चाय बेचने वाला भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ प्री प्लान्ड है और सारा कुछ स्पेसिफिक हाथों में है जिसके आप एस्टेब्लिशमेंट का नाम दे सकते हैं। आई डोंट नो कहाँ का मैगजीन था, यूएस का था, उस पर लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान फॉर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स हैं वो गिरवी पड़ी हुई हैं। यार गिरवी से अगर आपने मुल्क चलाना है तो फिर आप आज़ाद नहीं है। पाकिस्तानी कौम जो है ना प्यार से इन डंडे से मानती है, तो दूसरी बात की बाजे ने मुल्क नहीं आज़ाद कराया, हुकूमत को चाहिए कैंडली ये बाजा बंद कराए, इसको पाबंदी ऐसी लगाए जैसे डोरबाजी पे, पतंगबाजी पे, बम पटाखों पे, ठीक है, बम पटाखे वो बड़े नहीं कह रहे छोटे जो लोग चलाते थे उस पे, और बाजों पे पाबंदी लगाई जाए खास तौर पे। बात भी हो रही है, ये देखिए ये जाहल अवाम है पाकिस्तान की, ये पढ़ा लिखा पर जाहल है। भाई जान बात सुने एक मिनट, क्या वजह है, मतलब ये आजादी मनाई जा रही है ये बाजा? भाई ये खुशी है, अच्छा खुशी है, पाकिस्तान आजाद हुआ कोई ये जरूरी नहीं है, हर इंसान की अपनी अपनी खुशी है, जिसकी अपना तरीका है खुशी मनाने का, बच्चों की इतने बच्चों की इजाजत है, जेब इतनी इजाजत देती है वो वाजा लेकर वाजा हो जाता है। कल मैं एक मेम पढ़ रहा था उस पर लिखा था शाहरुख खान के जो रिजर्व, उसकी जो रिजर्व अमाउंट है वो तकरीबन 7 मिलियन समथिंग है। अच्छा। और पाकिस्तान की जो रिजर्व अमाउंट है वो 5 मिलियन समथिंग है। ओए, ओए, अब वहाँ पे एक बंदे कितने रिजर्व है, तो आपके मुल्क के तो रिजर्व ही नहीं है। मैं ये चीज़ पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि अगर दोबारा से पाकिस्तानियों को हिजरत का मौका दिया जाए तो 1947 से बड़ी हिजरत जो है वो इस बार होगी, अगर कोई मुल्क अपने वीजाज को। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नजर आ रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान से जिंदाबाद की बात भी नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदाबाद 76 साल के बाद। लेकिन जो पहला नारा है जिंदाबाद का वो तो हमारे दिलों की आवाज़ है, ठीक है, और जो जिंदाबाद वाला नारा है वो मौजूदा हालात का अलमिया है, और बेशक ऐसे हालात कर दिए गए हैं कि बल्कि मैं ये चीज़ पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि अगर दोबारा से पाकिस्तानियों को हिजरत का मौका दिया जाए तो 1947 से बड़ी हिजरत जो है वो इस बार होगी, अगर कोई मुल्क अपने वीजाज खोल देता है पाकिस्तान, ठीक है, कोई मुल्क या इंडिया अगर खोल देता है, इवन इंडिया भी खोल देता है क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो 250% जो है वो आपसे ज़्यादा है, ठीक है, और उनका जो जीडीपी ग्रोथ है, उनकी इकोनॉमी है, उधर करियर ग्रोथ्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में नौजवान हमारे टंकी लगा के इंडिया जाने की कोशिश करें। और ये यही सेम बात आपने शायद गदर 2 मूवी देखी हो या उसका ट्रेलर देखा हो, यही सेम बात उस मूवी में कही गई है कि अगर आज बॉर्डर खोल दिया जाए इंडिया पाकिस्तान का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाए। इस बात पे पाकिस्तान के लोग भड़क उठे कि नहीं जी नहीं, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई है, तो ये तो आप खुद एज ए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेसिकली उस मूवी में अगर हम देखें जो उसका ट्रेलर नज़र आता है तो वहाँ पे एक अच्छा जेस्टर नहीं दिया गया, इस वजह से पाकिस्तानी कौम जो है थोड़ा जज्बाती है, ठीक है, जाहिर है कि हम बहसियत कौम अभी तो पाकिस्तानी है, अगर हमें तो पाकिस्तान के ऊपर बात करेगा या फिर उसकी सालमियत के ऊपर वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं, अगर कोई करेगा तो वो गलत बात है, हम खुद कर लें, यानी हम खुद कह दें कि हम जाना चाहते हैं या हम चले जाएंगे या आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी हिजरत कर जाएंगे। जी बिल्कुल, वो उसकी वजह जो है वो हालात है, ठीक है, और जो हमारे मौजूदा सियासी कह लें माशी कह लें तो उस वजह से जो है लोग रोज़गार की वजह से हो सकता परेशान है और जाना चाहते हैं। इस परेशानी की, इन हालात की वजह क्या है? 76 साल उन्हें भी हुए, वो अपना अब तरक्की के सफ़र पर जा रहे हैं, आपने खुद बोला कि इकॉनमी बड़ी, GDP बड़ा, उनमें जो जॉब की फैसिलिटीज़ हैं या इसके अलावा मतलब ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा बेहतर हैं, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो पाई? हम तो हमारा तो मकसद ये था कि अलहदा होने का, कि हम आजादी से रहेंगे, हम दुनिया में नाम पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें थी, आज वो चीजें नजर नहीं आ रही। देखिए इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें 1947 में वापस जाना पड़ेगा। कुछ वामिल ऐसे भी हैं कि जब पार्टीशन हो रही थी तो जो सोने की चिड़िया थी, बड़ी इंडस्ट्री थी और अच्छे इदारे थे, वो इंडिया के हवाले कर दिए गए रिसोर्सेज। अच्छा। पाकिस्तान के हक में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं आए, ये इसकी एक वजह है, ये सारी के सारा इसकी वजह से नहीं है। उसके बाद जो है वो हमारे डे 1 से जो है वो सरमायादार या आप उसे एस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं,
ये मुल्क पे काबिज होगी पहले दिन से, जो पहले प्राइम मिनिस्टर की असैसिनेशन थी वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। ठीक है, और आज तक वही सिलसिला चलता आ रहा है कि एक स्पेसिफिक खानदान है 150-200, उनके पास सारा सरमाया है, उनकी जो है वो ग्रोथ हो रही है और उनके पैसे बाहर हैं, और वही तबका जो है वो हुक्मरानी कर रहा है। इंडिया में जो है वो जमहूरियत अच्छी तरह से डेमोक्रेसी आई, और इवन एक चाय बेचने वाला भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ प्री प्लान्ड है और सारा कुछ स्पेसिफिक हाथों में है जिसके आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया। आज इतने मुश्किल हालात में भी जब 8 लाख 9 लाख, आप भी खबर में से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, एजुकेटेड है, 8-9 लाख एजुकेटेड यूथ एक साल में बाहर जा चुकी है, और अभी वीज़े की जो उनसे पासपोर्ट ऑफिस हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जाते नज़र आ रहे हैं वीज़ा लगवाने के लिए। इन हालात में भी आज़ादी के दिन के लिए लोग आ रहे हैं, 14 अगस्त के लिए लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आप भी शायद इसी हवाले से ही आए होंगे, कोई आज़ादी के लिए फ्लैग लें या ये चीज़ें लें, ये इधर कैमरामैन अगर दिखाएं, स्टॉल वगैरह लगे हैं, शर्ट्स वगैरह 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं, क्या समझते हैं कि लोगों के दिलों में मोहब्बत है, लेकिन जो जिंदा बाग, पाकिस्तान से जिंदा बाग का नारा है जो लोग ये लगा रहे हैं, उनके दिलों में जो शिकवे हैं वो शिकवे जायज़ हैं? अब दूसरे नंबर पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बाहर से हो रहा है, 5th जनरेशन बाहर हो रही है, और मतलब बाहर से ये करवाया जा रहा है, सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल किए जा रहे हैं। देखिए, पहले सवाल का जवाब तो ये है, अगर इवन कोई बंदा यहाँ से हिजरत भी कर जाता है लेकिन उसके दिल में जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत बरकरार है, कि जाहिर है कि हर एक के खानदान, हर एक के बड़ों की कब्रें, हर एक के बड़ी के बड़ों की यादें यहाँ पे वाबस्ता हैं, और हमने सबसे बड़ी बात कि इस्लाम के नाम पर जो है ये मुल्क लिया था, तो हमने बड़ी कोशिश की है एज ए नेशन कि हम इस पे पैरा अमल करें, स्टेबल हो सकें, लेकिन हो नहीं पा रहे, लेकिन हमें सिर्फ एक वजह से जो है हिजरत करनी पड़ी, और वो है फाइनेंस। अगर दिन से रात मेहनत करके भी अगर आप अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सक रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप हिजरत के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानियों के दिल में अभी भी मोहब्बत है, आप बाज़ार का रश देख रहे हैं, ये इनकी अकीदत है, लेकिन किसी कुव्वत खरीद और जो इकॉनमी है उसने अच्छे खासों का जो है बेड़ा करा कर दिया, और जो एक्सटर्नल आप कह रहे हैं कि लोगों की साजिश हो सकती है, हो सकता है कि इक्का दुक्का ऐसी चीज़ें हो भी रही हों, लेकिन पाकिस्तान में भी इश्यूज हैं तो ये आवाज़ उठ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इशू है। अक्सर हम पोस्ट देखते हैं कि पाकिस्तान से जिंदा बाग, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद या जिंदा बाग? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आज़ाद हुए हैं, हमें बड़ा खुशी है कि हम आज़ाद हुए 1947 में, लेकिन अभी जो आप नारे की बात करें जिंदा भाग, बींग अ पाकिस्तानी भी अगर पेट्रियाटिज़म की बात करें तो हम भागेंगे नहीं, लेकिन आप आज़ाद नहीं। अच्छा, आप कहें ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप आज़ाद हैं, आज़ादी हमें नहीं है, हमें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। ठीक है, आप देखें कि आपके मुल्क के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, जिस तरह से चोर चोर के नारे लग रहे हैं, ठीक है, और जिस तरह से आपका गरीब पिस रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, ठीक है, तो आप अपने आप को समझते हैं, आप आज़ाद हैं, आपको किसी चीज़ का फ्रीडम तो है नहीं, आप ना खुल के बोल सकते हैं, ना आप खुल के जी सकते हैं, और ना आप खुल के सांस ले रहे हैं, किस चीज़ की आज़ादी है, मुझे तो ये बताएं। पहली बात तो मैं इससे डिसएग्री करूँगा कि आप अगर आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो पहले अपनी चीज़ों को ठीक करें, जब आप ठीक हो जाएं फिर आप आज़ादी मनाएं, अभी हम आज़ाद नहीं हैं। नहीं, देखें, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कहता आप गलत हैं या सही हैं, लेकिन बात करने का मतलब ये एक डिस्कशन की जाती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुँचाने के लिए, पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपने बोला हम आज़ाद नहीं हैं, आपने बोला आज़ादी का दिन इस तरीके से नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, पहले हमें अपने इशूज़ को सॉल्व करना चाहिए, इशूज़ तो हर कंट्री में है, तो ऐसे तो कोई कंट्री आज़ादी का दिन ना मनाए। इंडिया की अगर बात करें वो तो बड़े धड़ल्ले से, वो तो अपना कंपेन चलाते प्रॉपर हर घर तिरंगा और इस तरीके से आज़ादी। इंडिया के साथ तो आप अपने आप को कंपेयर ना ही करें, आप इंडिया की इंडस्ट्री देखें, इंडिया में आपकी गाड़ियां बन रही हैं जी, इंडिया में आपकी आईटी इंडस्ट्री पूरी ऊपर चली गई है, आपके यहाँ पे क्या है, आपके जो हुक्मरान है उन्होंने आपको रोटी कपड़ा मकान, कोई हुक्मरान आता सबसे पहला नारा रोटी कपड़ा मकान, ऐसा ही है, रोटी कपड़े मकान से निकल ही नहीं रहे। ठीक है, इंडिया ने ईजाद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे, आपने क्या किया उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया जिसके ऊपर मेम बन रहे हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, देखें आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आज़ादी है, कंपेयर नहीं, एग्जांपल दी मैं कंप्लीट कर लूँ, अगर इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए, फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार, आपके हुक्मरान आपको कह रहे हैं आज़ादी कर रहे हैं, आज़ादी कोई नहीं है। ठीक है, इससे बेहतर इंडिया बहुत आगे है, एटलीस्ट उनके हुक्मरान जैसे भी हैं, चोर हैं चक्के हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, महंगाई कहाँ नहीं है, महंगाई हर जगह पे है, लेकिन एक लेवल पे है,
ठीक है, एक लेवल पे हर चीज को चेक एंड बैलेंस भी है, सिस्टमाइज लाया जा रहा है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बनाना रिपब्लिक है, जिसको बोलने तो दिया नहीं जाता, वो तो आपको पता है, आप भी नहीं खुल के बोल सकते। ठीक है, आप भी वही बात करेंगे जिससे आपका चैनल बंद ना हो जाए। ठीक है, वो बात कोशिश करते हैं। देखें सोशल मीडिया पे आप देखें, अगर आप बोल सकते हैं तो मैं भी तो बोल सकता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको नहीं लगता आज काफी हद तक जो उनसे हम खुल के बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जो सोशल इशूज हैं, पाकिस्तान के इशूज हैं, उनके ऊपर बात की जाए। अगर आज हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया शायद उसका भी यही मकसद है, नहीं तो अदरवाइज हम भी आके जो दूसरा हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है आके कहते जी 14 अगस्त है क्या कहेंगे, आज़ाद हैं, परचम ऐसे लहराएंगे, मैं भी यही बात करता। अगर मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया तो उसकी यही रीजन है कि हम बात करें, हम देखें क्या वजह है, क्यों नाराजगी है पाकिस्तान के पीछे। एक आई डोंट नो कहां का मैगजीन था, यूएस का था, उस पे लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान फॉर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिर भी है, आपकी बंदरगाहें गिर भी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिर भी है, मोटरवे गिर भी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स है वो गिर भी पड़ी हुई है। यार गिरवी से अगर आपने मुल्क चलाना है तो फिर आप आज़ाद नहीं हैं। ठीक है, एक टाइम आएगा जब आप अपनी मर्जी से ना दरिया यूज़ कर सकेंगे, ना हवाई हदूद यूज़ कर सकेंगे, और जो मर्जी आप पे चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? आप आज़ाद नहीं हैं। अभी तो ये भी बातें हो रही हैं, दिखाया जा रहा है कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं, आज़ादी आज़ादी मनाएं जी, पता नहीं 40 करोड़ रुपये का आपने झंडा बना दिया है। अगर आप इस झंडे को बनाने के बजाय 40 घरों को देख लेते कि यार पता नहीं किसी की घर में शादी नहीं हो रही किसी की बेटी की, ठीक है, किसी को मसले में मसाइल है, गरीब मर रहा है, खुदकुशियां कर रहा है, ठीक है, लोन ले के लोग गुजारा कर रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, यार गरीब घर रहा है, मेरा जानने वाले लोग हैं उनके घर में एक पंखा है, एक लाइट है, उनका बिजली कितना बिल है पता? उनका बिल है 20,000 रुपया, एक पंखा और एक लाइट का 20,000। वो फिर बाई मिस्टेक ऐसा आया होगा? बाई मिस्टेक नहीं है, टैक्सेस हैं। मेरा बिल आया है तकरीबन, मेरे घर पे एक एसी चल रहा है और ये दो पंखे हैं, ठीक है, फ्रिज जिसी सारा कुछ हल्का फुल्का चलता है, ठीक है, उसका बिल है 25,000 रुपये। यार मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं तो चलो दे दूंगा, लेकिन उस 25,000 रुपये में भी तकरीबन कोई 9,000 रुपये के टैक्सेस हैं। यार टीवी के भी टैक्सेस हैं, रेडियो के भी टैक्सेस हैं, ठीक है, फ्यूल एडजस्टमेंट भी है, एक्चुअल बिल तो 9,000 रुपये है, किस चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं। सर देखें, आप यही जो 40 करोड़ रुपये आपने झंडे पे लगा दिया, अगर ये आप लोगों को रिलीफ देते तो आपको नहीं लगता कि लोग खुश होते और लोग अच्छे तरीके से आज़ादी मनाते? हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। देखें जब आप जैसे अगर मैं ये भाई की एग्जांपल ले लेता हूँ, ये भी पाकिस्तानी है और इन्हें भी पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होगा, फ़ख्र है कि नहीं? सर फ़ख्र है तो हम लोग यहाँ से नहीं जा रहे, जैसे आपने बोला ना पाकिस्तान जिंदा भाग, हाँ। हम लोग नहीं भाग रहे, आपको पता है 6 से 7 लाख पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से इस टाइम जा चुके हैं, आपके मुल्क का क्या फ्यूचर है? आपने उनको पढ़ाया यहाँ पे और वो चले गए, ठीक है। तो सर ये देखिए, इस्लामाबाद में प्रॉपर बिलबोर्ड लगे नजर आ रहे हैं, ये अगर स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि उनमें ऊपर लिखा है कि ब्राय मेहरबानी पाकिस्तान छोड़कर ना जाएं। जिसको लग रहा है, जिसको मौका मिल रहा है, वो पाकिस्तान से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। महंगाई की शरह बढ़ती बढ़ती बढ़ती, देखिए आप कह रहे हैं हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, भाई डिफॉल्ट होने से बचाया नहीं, आपने और फंसा दिया है। आप कैसे? आपने हर मुल्क से कर्जे लिए, किसी से आपने लीज ले ली है, किसी से आपने इतने शॉर्ट टाइम के लिए लोन ले लिए, अब वो लोन कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? आज तक तो जितने आपने IMF से लिए वो तो आपने दिए नहीं, ऐसे ही दिए नहीं दिए, वो डबल अप डबल अप पर हम फिर दोबारा से होते चले जा रहे हैं। कल मैं एक मेम पढ़ रहा था, उस पर लिखा था शाहरुख खान के जो रिजर्व, उसकी जो रिजर्व अमाउंट है वो तकरीबन 7 मिलियन समथिंग है, और पाकिस्तान की जो रिजर्व अमाउंट है वो 5 मिलियन समथिंग है। अब वहाँ पे एक बंदे कितने रिजर्व है, तो आपके मुल्क के तो रिजर्व ही नहीं है। आपने जो इदारों के लोगों को, जो अफसरान के लिए अपने बड़ी गाड़ियां मंगवाई, कितने मिलियन का पता नहीं बजट अप्रूव हुआ, क्या जरूरत थी? ये चीज है बिल्कुल, ये लॉजिकल बातें हैं, इन बातों से मैं 100% एग्री करता हूं। जो असेंबली के जो लोग हैं वो बैठ के सारी मराहत इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं उन्हें। देखें आप कह रहे हैं जी गरीब की मिनिमम सैलरी 30,000 होगी, 30,000 नहीं मिल रही, मैं आपको यहाँ पे लड़का दिखाता हूँ 8,000 रुपए महीने पे काम कर रहा है, ऐसे ही है। आपका चेक एंड बैलेंस किधर है? ठीक है, लेकिन सारी बातों से मैं एग्री करता हूं, प्लीज सुन लेना पहले, आपका चेक एंड बैलेंस किधर है? आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है, आप नहीं देख रहे कि वाकई इस बंदे को 30,000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन आप उसको बिल 30,000 के हिसाब से भेज रहे हैं, आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी मैंने उसको सैलरी कर दी 4 लाख रुपया और आपने उसको 5,000 यूनिट भी माफ़ कर दिए, क्यों भाई मुझे बताएं क्यों? रीज़न है कोई? नहीं है, क्योंकि जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतने बेनिफिट्स हैं, भाई प्राइवेट वाले किधर जाएं जो डिग्रियां करके बैठे, उनको तो नौकरियां नहीं मिल रही, बेचारे खजल खुआर हो रहे हैं। एक बंदे ने MSc की, वो वहाँ पे स्कूल में जाकर टीचर लग जाता और 15,000 रुपये पे लग जाता, क्या है कि नौकरी नहीं है भाई, घर तो चलाना है, ठीक है, यानी आपके इसीलिए प्रॉपर डिग्री करके 15,000 रुपये जॉब, इसीलिए आपके 6 लाख प्रोफेशनल्स भागे हैं। हो सकता है अनगरीब
मेरे भी हालात ख़राब हो जाएँ आने वाले 2-3 साल, अल्लाह ना करे, तो शायद मैं भी सोचूं यार मुझे भी शायद पाकिस्तान जिंदा भाग वाला नारा लगा देना चाहिए, क्या कहते हैं? तो फिर हम आज़ाद नहीं है, ऐसे ही है, आज़ादी है। हमारा आज़ादी मनाने का दिल ज़रूर करेगा जब हमारे मुल्क के हालात ठीक होंगे, जब हमारा कोई ऐसा लीडर आएगा जिसमें हमें लगेगा हाँ यार ये बंदा ठीक है, ये मुल्क ठीक करेगा। मैं नहीं कहता किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता कि कोई यार वो बंदा ठीक था वो ठीक था, लेकिन अगर आप पिछली हुकूमत का मवाजना करें जो चली गई है, उसने एटलीस्ट किस्तें 2-3 उतार दी थी IMF की, GDP कुछ बेहतर हो गया था, 150 का पेट्रोल था, पेट्रोल ठीक है, ऐसे ही है। अब 1.5 साल के अंदर पेट्रोल 150 से 273 पे जंप अप किया, जबकि आपने कहा कि जी हमारा पेट्रोल था 93 रुपीज, रशिया से मंगवाया और वो भी सर वो खारिज का तेल था, वो इसहाक डार साहब ने लगा के खत्म कर दिया है, ठीक है, और वो जो अगली खपत आनी है वो हमारे पाकिस्तानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज ना भेजें, क्योंकि वो भी अच्छा आते आते कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर मौका दें, आपकी दो बातों ने मुझे बहुत हैरान किया, आप चाय साथ पी सकते हैं, आपकी चाय ठंडी होगी और मतलब बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं और खुल डुल के बात कर रहे हैं। आपने बोला इसे अच्छा हमें इंडिया के साथ दोबारा से ज्वाइन कर दिया जाए या हम उनके साथ होते, अच्छा मैं इंडिया के साथ नहीं बोला, लेकिन आपने बोला इंडिया के साथ कंपेरिजन करें, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया से पहले हमारा जो रीजन था वो था हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान से 4-5 मुल्क बन गए, अगर यही रेशो रही तरक्की की तो फिर मेरे ख्याल से आपका बांग्लादेश भी तरक्की याफ्ता हो गया, आपका अफगानिस्तान का भी इस टाइम 3 रुपए का पाकिस्तानी 3 रुपए उनका 1 रुपया, ठीक है, बांग्लादेश का आपका तकरीबन कोई 2-2.5 रुपए है वहाँ के और आपका 1 रुपया, इंडिया का भी तकरीबन 3.5-4 रुपए, आप कहाँ खड़े हमारे 3.5-4, आप फिर अपना कंपैरिजन ना करें, ठीक है, नहीं कंपैरिजन ना करें, लेकिन हम सीख भी नहीं सकते, हम इंडिया से सीख नहीं सकते, हम बांग्लादेश से सीख नहीं सकते। सर देखें अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जैसी राया वैसा हुक्मरान, ठीक है, हमारे यहाँ के कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, ठीक है, लोग अच्छे नहीं हैं, उसके बाद जिनको हम चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली देखें आपके जब हुक्मरान ने आपको रोटी कपड़े मकान में फंसा दिया तो हम रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, क्योंकि जब तक हम लोग इन चीज़ों से निकलेंगे नहीं तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, तो हम लोग फंसे हैं, हमने अपने घरों को सपोर्ट करना है, हमने अपने घर चलाने हैं, तो हम लोग फंसे हैं, तो आप जिस आज़ादी की बात करें इसकी छुट्टी इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं, आज़ादी अंदर से मना सकते हैं बट बाहर खुल के मनाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा सीधी बात है। अब एक गरीब आदमी है वो बेचारा एक झंडे, अब उसकी सैलरी है 10,000 रुपया, झंडा बाट पता कितने का मिल रहा है 2,000 रुपये का, 2,000 का जो बड़ा छत पे लगाने वाला फ्लैग है वो है वैसे 150 का, वो जो बाइक पे लगा उसका जो बांस है वो तकरीबन कोई 200-300 रुपए का, 400-500 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, उसने क्या आज़ादी इंजॉय करनी, क्या पेट्रोटिज्म शो करेगा, वो करेगा कुछ नहीं करेगा। तो सर ये अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर जैसे 14 अगस्त को हम आज़ादी का दिन मनाते हैं, बिल्कुल अगले दिन 15 अगस्त को इंडिया वाले भी आज़ादी का दिन मनाएंगे, वहाँ पे 1 अरब तकरीबन 40 करोड़ आबादी है और वो हर घर तिरंगा की स्कीम लड़ा जो है वो लेके आते हैं, और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद की जो उनसे नारे लग रहे हैं या सोशल मीडिया पे कहीं कहीं हमें देखने को मिल रहा है, वो इतनी बड़ी आबादी को कैसे लेके चल रहे हैं, और वहाँ पे तो बड़ी तादाद में दूसरी मिनोरिटी दूसरे लोग भी रहते हैं, मज़हब के हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख ईसाई भी रहते हैं, वो यूनिटी दिखाते हैं, हम लोग यूनिटी क्यों नहीं दिखाते, मतलब ये भी गवर्नमेंट का कसूर है कि यूनिटी गवर्नमेंट दिखाएगी। सर मैंने आपको पहले ही बता दी कि जैसी राया वैसा हुक्मरान, हाँ ये चीज़ है, राया को भी देखें, अब छोटे से छोटे जो बंदा है ना, ऑब्वियसली बात है हालात ऐसे हैं, छोटे से बंदा भी कोशिश करेगा कि यार मैं इसकी गर्दन उतार, गर्दन उतारना इन अ सेंस कि यार मैं इससे जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो जायज़ नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है उसके घर के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, वो कहेगा यार मैं इसको ज़्यादा पैसे ले लूँ, इसका मतलब जो आपके हक है ना वो उसने मार लिया, तो जब नीचे वाला हक मारा तो ऊपर वाला तो फिर उसका राइट बन गया ना मारना, क्योंकि वो तो सीट पे बैठा हुआ। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा लगा इनसे बात करके, लास्ट में ये बता दें 5 साल बाद की अगर बात करें या 10 साल बाद की बात करें, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप पाकिस्तान का? सर अगर कोई हुक्मरान अच्छा आ गया, अगर कोई पॉलिसीज अच्छी बन गई, अगर इनका दिल किया कि हमने कर्जा उतारना है, देखें जब तक हमारे मुल्क का डरना तो बहुत मुश्किल है जो इस टाइम सिचुएशन नज़र आ रही है। वो हमारे एक लीडर हैं, उन्होंने एक बात बोली जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जाकर, वो बोलते हैं कि बैगर कांट बी चूजर्स, ठीक है, तो जहाँ पे आपका हुक्मरान कह रहा है बैगर कांट बी चूजर, तो फिर कैसे चूजर्स बन सकते हैं? तो फिर आप अपने मुल्क को अच्छा होता ना देखें, बस आप मुर्जे का वेट करें
कि हम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दोबारा से लगाना शुरू करते हैं। ठीक हो गया। अभी फिलहाल खास तौर पे यूथ जो है जिंदाबाद की बात कर रही है। अभी जिंदाबाद चल रहा है, अभी जिंदाबाद तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे चीजें सेटल नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि दिल किसी का नहीं कर रहा ना करेगा कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। जितनी लिबर्टी आपको पाकिस्तान में अपनी कंट्री में है वो किसी कंट्री में जाके नहीं मिलती है। लेकिन अभी आप कह रहे थे आजादी नहीं है, अभी आप कह रहे हैं लिबर्टी। लिबर्टी जी जी जी, लिबर्टी क्या फर्क है? लिबर्टी टू लिव एट योर ओन स्टाइल, अपनी मर्जी से, मर्जी से। आप भूखे भी हैं ना तो आप सोचेंगे कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं होगी। यहाँ के लोग कहीं ना कहीं कॉपरेट कर लेते हैं, बाहर जाके नहीं कर सकते। बाहर जाके लोगों ने मुश्किल ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे। डिफरेंट चीज़ें, मैं और तरह से बोल रहा हूँ कि लिबर्टी जो है वो और सेंस में बात करें, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर रहे हैं वो उस तरीके से नहीं है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते, अपने इश्यूज को नहीं सामने ला सकते। ये चीज़ें वाकई हैं और ये ज़्यादा कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर अदारे चाहें, अगर गवर्नमेंट चाहिए तो प्रॉपर पॉलिसीज बना के हम इन चीज़ों को, इन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शायद हमारा जो इस टाइम माइंड सेट है या हमारा इस टाइम जो फोकस है वो किन्हीं और चीज़ों पर है हमारे हुक्मरानों का। सर देखें, हुक्मरान, मैं हुक्मरानों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आपको फिर बताऊंगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा यूथ को अगर देखें, लैपटॉप दिए जा रहे हैं, उस इंसान को भी लैपटॉप दिया जा रहा है जिसका आईटी से लिंक कोई नहीं है। एक बच्चा है, वो मैट्रिक किया उसने, ठीक है, अभी वो किसी और चीज़ में जा रहा है, उसको यूज़ नहीं करना आ रहा, उसको भी लैपटॉप दिया जा रहा है। पहले स्किल सिखाएं। आपने 2000 रुपये, आपने 15000 बंद कर दिया जो उसने रिलीफ दिया था इमरान खान ने, आपने उसको बंद करके 2000 रिलीज़ किया। 2000 में क्या होता है? वो एक बीबी कह रही है कि 2000 में आपने घर का बिल भी देना है, आपने ट्रेन का सफ़र भी करना है, हवाई जहाज़ की टिकट लेके दुबई भी जाना है, और फिर आपके पास 2000 बच जाएगा। सर ऐसे नहीं, $2000 की शायद बात कर रहे हैं, नहीं होता वो सर, उनको मिले होंगे। चलो जी, अच्छा लगा बात करके। और देखें, अगर ऐसे ही सिचुएशन रहेगी तो ये जो बात है ये दिल से बात की जा रही है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया भाई। थैंक यू जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फराज अहमद। आपका नाम? आमर सहेल। क्या करते हैं आप? हम ये जूतियों का स्टॉल हमारे मार्केट में ना। ठीक हो गया, बिजनेस करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, आज़ादी के दिन पे पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो आज़ादी का दिन होता है तो वहाँ के लोग अपनी कंट्री से मोहब्बत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान में भी